हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी स्विगी में मल्टीपल अकाउंट डिटेक्टेड प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा टू मैनी लॉगिन अटेम्प्ट्स, ऐसा कुछ लिखा रहा है, इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आज की वीडियो में। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना क्रोम ब्राउज़र है इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है हमें, यहाँ पे स्विगी सपोर्ट, तो यहाँ पे स्विगी सपोर्ट को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे उनका एक नया पेज ओपन होगा यहाँ पे गूगल पे, तो देख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ स्विगी सपोर्ट, तो वहाँ पे एक नया पेज ओपन हो रहा है। तो उनकी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनकी टीम की साइड से है। तो support@swiggy.in पे हमें एक मेल सेंड करना है। किस फॉर्मेट में सेंड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो इसको कॉपी कर लीजिएगा और मेल में ओपन कर दीजिएगा इस मेल को। तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, जो हमें प्रॉब्लम आ रही है स्विगी में, उस प्रॉब्लम को हमें यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमने फिल कर दिया। उसके बाद कंपोज ईमेल वाले सेक्शन पे जाना है। कंपोज ईमेल वाले सेक्शन पे आने के बाद सबसे पहले हमें अपना नाम लिखना है, जो हमारा स्विगी अकाउंट पे नाम है, और साथ में मोबाइल नंबर जो उस अकाउंट के साथ लिंक है, ईमेल लिंक है, ये सब आपको वहाँ पे लिख देना है। सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में डिटेल में उनको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के साथ साथ पूरा बताना है कि कब से ये प्रॉब्लम आ रही है आपको। साथ में उनको टीम को रिक्वेस्ट करनी है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आपके स्विगी अकाउंट में, उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर देना है। तो स्क्रीनशॉट इस मेल में आपको अटैच कर देना है। साथ में क्या करना है, जब आप मेल को सेंड करोगे तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं। जैसे मेल को सेंड करोगे उसके 48 घंटों के अंदर उनकी टीम का रिप्लाई आएगा आपके मेल में। तो जो मेल आईडी दोगे उसमें आपको रिप्लाई आएगा और वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बताएंगे या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।